हमने भी खून जब जमा होकर नारा अभी बुलंद किए तो कुएं के पानी की सतह बुलंद होने वाले मौजज़े नमा मंजर को भी अपनी आंखों से देखा और जब नारे की गूंज खत्म हुई तो पानी फिर साकिया सतह पर जाकर ठहरा। ये माला के कुएं के बाद मंजिल की जानब आगे बढ़ने के लिए सफर शुरू किया जा रहा है और ये इस सफर की पहली पहाड़ी है जो देखने में तो बहुत छोटी नजर आ रही है लेकिन बहुत ही बुलंद बाला है और सफर की पहली पहाड़ी होने की वजह से जायरीन के लिए इंतहाई तकलीफ दे पहाड़ी साबित होती है। अब जायरीन मौला के कुएं से पंतन के बाद नईम शरीफ की जानिब रवाना है जहां पर भी एक कुआं मौजूद है जिसे पंतन के नाम से पुकारा जाता है। सामने ही चूल्हे करवा के सैयद साले शाह जिनके नाम से नईम का इलाका मंसूब है और उसे साले शाह की नईम कहा जाता है उनकी मजार की तरफ बढ़ जाते हैं। मजार में दाखिल होते ही उल्टे हाथ पर जो पहला मकबरा है उसे माई रोही का मकबरा कहा जाता है। माई रोही के लिए यहां पर कई रिवायतें मशहूर हैं जिनमें से एक रिवायत यह भी है कि माई रोही यहां के काफिर हुक्मरान लखमीर की बहन थी और उसने अपनी आंखों से मौला अली अलैहिस्सलाम को
परवास करते हुए देखा था और ये मंजर देखते ही उस पर ऐसा सत्ताकारी हो गया कि वो पत्थर बन गई। अपनी आंखों से मौला अली अहसान की ज्यारत करने की वजह से उसे खुशनसीब तसव्वुर किया जाता है। पुराने लाहूती बताते हैं कि पहले ये औरत का मुकम्मल पत्थर का मुजस्मा था जिसे बाद में प्लास्टर करवा दिया गया। वही के मकबरे की जियारत करने के बाद जायरी इसी के बराबर में सैयद सालेह शाह के मजार की जियारत करते हैं। इस मजार में सैयद सालेह शाह की कब्र के अलावा उनके दो अजीजों की कब्रें भी हैं। सालेह शाह की मजार से बाहर निकलने के बाद सैयद गुलाम शजीलानी का मकबरा है जो सैयद सालेह शाह की औलाद में से है। मजार से बाहर निकलने के बाद सैयद गुलाम शजीलानी का मकबरा है जो सैयद सालेह शाह की औलाद में से है। इस मजार के अहाते में कुछ बीवियों की कब्रें भी लाते हैं और इसी में एक जगह हजरत अली अलैहिस्सलाम